हैं उनके ऊपर फोकस करें, ओरैंगुटान और ग्लैडिएटर्स। फिलहाल के लिए उनके सारे खिलाड़ी जीवित हैं। क्लब ली स्पोर्ट्स के निंजा बॉय ने बदला ले लिया है, मैक्स नॉक फिनिश हो चुके हैं। अब ओआर देखते हैं उनके ऊपर किस तरीके से हावी होते हैं, निंजा बॉय के ऊपर निगाहें। ओआर ई-स्पोर्ट्स की पूरी टोली काफिला आ चुका है, अभी के लिए ग्रेनेड कुक करेंगे निंजा बॉय। एक तो और यहाँ पे चोट पहुँचाने की कोशिश रहेगी, अच्छा ग्रेनेड था मैक के ऊपर, अपने आप को रिपोजिशन किया। वॉट ओआर ई-स्पोर्ट्स को ऑलरेडी समझ आ चुकी है कि यहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्टली मौजूद है, और देखिए बेखौफ अंदाज से पुश कर रहे थे, बट निंजा बॉय ऑलमोस्ट एक क्लच करने के कगार पे, और क्लच कर भी दिया है। निंजा बॉय, निंजा बॉय, सेवन फिनिशेस निंजा बॉय, ये भयंकर था। और ओआर ई-स्पोर्ट्स को किया है बाहर, जो कि इस समय दे हैड नथिंग टू लूज। ओआर ने ही ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के बाकी खिलाड़ी खत्म किए थे, लेकिन उस कलम की आखिरी स्याही निंजा बॉय के हाथों से चली है। टीम इनसेन बॉय इनके सामने, क्या तीनों खिलाड़ी उसके ऊपर हावी होने वाले हैं? वो शैक में है। क्या निंजा बॉय दिक्कत दे सकते हैं? बगी पता चल चुकी है, शोगन अंदर जाएंगे, एस्ट्रल के का इस्तेमाल कर करके, लेकिन उनको किया जाएगा डाउन और खत्म करने की पुरजोर कोशिश। निंजा बॉय सात फिनिशेस निकाल चुके हैं। एक ग्रेनेड, क्या ये फिर से रिकोशे करके फेंकना चाहेंगे? खुद बाहर आ चुके हैं, फाइट नहीं देगी, पूरी पूरी कोशिश है। एक और खिलाड़ी को करेंगे डाउन, और यहीं पे हो चुकी है दिक्कत। निंजा बॉय नीड्स टू सर्वाइव, और वो फिनिशेस कोई और उठा रहा है दूसरी तरफ से। वन ब्लेड वीएलटी को करेगी खत्म, लेकिन टीम एक्स पक पीछे से आती है। आठ टीमें